Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone?

कल शाम की बात है अचानक से एस एस जेई का नोटिफिकेशन आता है मैं वर्ड यही यूज करूंगा अचानक से उसके पीछे के कारण है बहुत तो पहले तो दो मिनट के लिए अपन उन बातों को कर लेते हैं जो शायद किसी बच्चे को क्लैरिटी नहीं होगी बेटा आज से कुछ महीने पहले की बात थी एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कैलेंडर जारी किया था जिस कैलेंडर के अंदर उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई उतीस फरवरी के दिन यानी कि 29 फरवरी को हम एस एस का नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे इसके बाद उन्होंने ये बोला था कि चार पांच और छह जून को हम एग्जाम लेंगे ठीक है अब 29 फरवरी को तो हमारा नोटिफिकेशन आया नहीं हमारा नोटिफिकेशन आता है कल यानी कि 29 मार्च को लेकिन इस नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो इस नोटिफिकेशन में एस एस ये बोलता है कि भाई हम जो है पेपर चार पांच और छह जून को ही लेंगे तो सबसे पहले तो आपसे मैं ये बात करना चाहता हूं कि क्या यह सही तरीका है या ये क्या सही तरीका है या ये गलत तरीका है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार ये तरीका गलत है मैं तरीका गलत इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप यहां पर एक स्टूडेंट के लिए जो कर रहे हो वो गलत है गलत इसलिए है इलेक्शन की वजह से पेपर का पोस्टपोन होना या नहीं होना इस बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा वैकेंसी कम होना या ज्यादा होना इसके बारे में मैं बात जरूर कर दूंगा लेकिन क्या यह तरीका सही है तो यह तरीका सही नहीं है रीजन ये है इस तरीके को सही नहीं होने का आप जब एक कैलेंडर जारी करते हो उस कैलेंडर के अंदर आपने ये बताया कि पेपर ट्वेंटी नाइन फेबर को हम नोटिफिकेशन देंगे और चार पांच छह जून को हम पेपर लेंगे तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब आपने लिखा था कि हम 29 फरवरी को नोटिफिकेशन देंगे आप एक महीने बाद नोटिफिकेशन देते हो और जब आप एक महीने बाद नोटिफिकेशन देते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि हम चार पांच छह जून को लेंगे अब बात यहां पर यह आती है कि, कि कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना सकते हैं वो ये बोल सकते हैं कि सर एस ने तो पहले भी बोला था कि चार पांच और छह जून को ही पेपर लेंगे तो इसमें गलत क्या है वो आज भी वही ले रहे है। जिसने ये मान लिया कि मुझे यार क्लियर करना है।, मैं है कि मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहता हूं मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहले से बीआरओ में सिलेक्टेड है वो चाहता है काम करना मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो सीपीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल ही नहीं है लेकिन वो चाहता है एमईएस में काम करना बस वो ये चाहता है अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट बेटा जो एमईएस में काम करना चाहता है आप उसको और उसका मन है कि साल 2024 में वो एसएससी जेई क्लियर करेगा आप अचानक से बोलते हो कि 29 फेब को हम नोटिफिकेशन नहीं देंगे हम नोटिफिकेशन जो है वो 29 मार्च को देंगे और आप नोटिफिकेशन में लिखते हो चार पांच और छह जून को और जब नोटिफिकेशन खोलते तो पता चलता हमें एमईएस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह गलत तरीका है मैं इसलिए बोल रहा हूं हमें मैंने के बारे में कोई आइडिया नहीं है अब मान लो अगर मैंने मन ये बनाया कि मुझे एमईएस क्लियर करना है मुझे एम में ही जाना है मेरा एक ही मन है बाकी मुझे कुछ भी मिले मुझे नहीं जाना लेकिन मुझे एम में जाना है मैं कैसे जाऊं क्या करूं फॉर्म फिलअप कर दूं चलो मान लिया मैंने उनतीस अप्रैल तक फॉर्म फिलअप कर लिया फिर नाइनटीन अप्रैल का मुझे पता ही नहीं है कि पेपर चार को होगा अभी कि नहीं होगा एम आएगा नहीं आएगा इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है तो क्या ये मेरे लिए नोटिफिकेशन सही था क्या मैंने इतने महीने से तीन महीने से चार महीने से जो अपनी मेहनत करी थी के लिए या मैं कि या मैं मैं बोलूं आगे इसके भरोसे वेट करूं तो तो कुछ कुछ भी नहीं बोल सकता या, कुछ भी नहीं नहीं बोल बोल सकता सकता तो एक तरीका गलत है अब आता है दूसरे तरीके की बात ठीक है यहां पर बेटा इस बार इन्होंने ऐसी कोई नई चीज नहीं करी है लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस किए थे सिलेबस पैटर्न एग्जाम पैटर्न बदला था तो वही नए पैटर्न पे एग्जाम ले रहा है ये बात मैं क्लियर कर देता हूं फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है यह बात भी मैं क्लियर कर देता हूं अब आप पूछेंगे क्यों एक्चुअली जब आप एसएससी का फॉर्म भरते हो तो कहीं पे भी नोटिफिकेशन में यह मेंशन नहीं होता है कि आप यहां पर आपके पास फाइनल uh, ईयर में आप हैं या नहीं हां एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है तब तक अगर आपके पास अपनी डिग्री है तो तो आप एलिजिबल हो जाते हो अब आप बोलोगे सर तो सर अगर मान लीजिए मेरी जो डिग्री है वो 19 अप्रैल के बाद मिलेगी तो क्या मैं एलिजिबल हूं नहीं डियर अगर आपकी आपकी जो डिग्री है डिग्री हो या डिप्लोमा हो वो 19 अप्रैल से पहले होना चाहिए तो सर इसका क्या मतलब है साल 2024 में पास आउट होने वाला कोई भी बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता तो यार ये तो मैंने पहले भी बोला था कि साल 2024 में पास आउट होने वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता देश में कोई भी ऐसा कॉलेज होगा जिसके अंदर 19 अप्रैल से पहले पास आउट होते होंगे नॉर्मली हमारे देश में कोविड आने के पहले हमारे जो रिजल्ट आते थे वो जून जुलाई अगस्त के आसपास आते थे और कोविड आने के बाद यह शेड्यूल और डिले हो गया तो उन्नीस अप्रैल के पहले तो किसी भी कॉलेज के कभी सेमेस्टर के पेपर या मैं बोलूंगा या रिजल्ट तो एटलीस्ट नहीं आता अगर पेपर उन्नीस अप्रैल को हो भी गया तो एटलीस्ट उसकी जो डिग्री या डिप्लोमा का रिजल्ट है वो बाद में ही आएगा तो शायद कहीं ना कहीं फाइनल ईयर के डिप्लोमा के बच्चे एलिजिबल नहीं है और एस ने पहले भी कभी एलिजिबल नहीं किया साल 2023 में पास आउट होने वाले हर बच्चा एलिजिबल है अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे काम करने की बात पे। कल से जब नोटिफिकेशन आया है तो आप देखोगे कर, YouTube पर खास करके YouTube पर बेटा ये वाला कोर्स ज्वाइन हो रहा है ये नया बैच चालू हो रहा है ये नया बैच लॉन्च हो गया है कल से ही नया बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं अरे हम आज से ही नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं और नया बैच बहुत ही प्यारे तरीके का बैच है पिछले बार का कट ऑफ कितना गया था एसएससी का इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा क्या एज लिमिट है क्या नहीं है क्या कैसा है क्या नहीं है सर सीपीडब्ल्यू में कितने नंबर ले आऊं सर सर एमटेक का क्या कर लू सर इसका क्या कर लू उसका क्या कर लू जमाने भर की बहुत सारी बातें जो है कंटिन्यूसली आने वाले पंद्रह बीस दिन तक होती रहेंगी कंटिन्यूसली होती रहेंगे अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि इस बार अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूं तो एस में नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो चलो पहले मैं इस बारे में बात कर लेता हूं और आपको क्या करना है उस बारे में बात कर लेता हूं और फिर मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं अगर आप मुझसे पूछोगे मैकेनिकल की वैकेंसी कम है। सर, इस पे आपकी क्या राय, है? यार, मेरी राय इस पे ये है कि बेटा मतलब अगर 400 आती है तो हर साल 400 सौ आएगी ऐसा कुछ नहीं होता हर बार एस एस सी जे में ये देखा गया दो तीन साल में वैकेंसी डिप मारती है क्योंकि एस एक ऐसा एग्जाम है जूनियर इंजीनियर का जो हर साल होता है तो अगर मान लीजिए लगातार दो साल वैकेंसी ज्यादा आ रही है

कितनी वैकेंसी वैकेंट मैं पचास भी मान लू तो करीब करीब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के के बच्चों के लिए दोसो सवा वैकेंसी हो जाएंगी ठीक है तो मैं आपको बोलूंगा कि तैयारी करना चाहिए इट इज नॉट अ बेड ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है दूसरी बात जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन सभी बच्चों को नए स्टूडेंट्स नहीं मिलने वाले उन सभी बच्चों को वही स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने लास्ट टाइम भी पेपर दिया था क्यों क्योंकि नया बच्चा अभी राइट नाउ एलिजिबल नहीं है आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के साथ है जिन्होंने लास्ट ईयर भी एसएससी दिया था या कोई ऐसा बच्चा क्लियर जो पहली बार एसएससी देने की कोशिश कर रहा हो भले वो एक साल पहले पास आउट हुआ उन्हीं बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है और ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे थोड़े बहुत ही होंगे एज पर एस सच नहीं होंगे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टूडेंट नहीं होते तो मैं आपको बोलूंगा तैयारी तो आपको करना चाहिए अब आता है चौथा पॉइंट सर क्या पेपर चार जून को ही हो जाएगा हमें इसके बारे में आप बताइए और एक क्रूशियल डेट आई हुई उसके बारे में बताइए मैं दोनों के बारे में बात करता हूं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि क्या पेपर चार पांच और छह जून को ही हो जाएगा तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि पेपर चार पांच और छह जून को नहीं होना चाहिए रीजन बींग ये है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला अगर वो एमएस के लिए तैयारी करना चाहता था आप और आपने इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये क्लियर नहीं किया है कि एम में पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में आप कब बताओगे अगर आपने ये लिखा टू बी नोटिफाइड मतलब वो प्रोसेस में है तो एटलीस्ट वहां यह भी लिखना चाहिए कि भाई मैं कब बताऊंगा मान लीजिए आपने बताया उन्नीस अप्रैल के बाद अब बच्चे ने यार फॉर्म ही नहीं भरा और अगर बच्चे ने फॉर्म भर दिया वो तैयारी करने लगा पता चला उसको एमबीएस में उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी में वैकेंसी नहीं आई तो कहीं ना कहीं उसके लिए खराब बात हो जाएगी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दो महीने का समय है तो एसएससी को यह बात सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं पेपर का जो एग्जाम की डेट है वो एटलीस्ट एक महीना या पंद्रह से बीस दिन या बीस से पच्चीस दिन आगे बढ़ाना चाहिए और एमएस की वैकेंसी के बारे में विद इन एग्जाम फॉर्म के फिलअप होने के पहले यानी कि एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट अप्रैल है उसके पहले एमईएस की वैकेंसी कम से कम उससे दस से पंद्रह दिन पहले ताकि बच्चा फॉर्म भी भर पाए और उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए क्योंकि एमईएस एक छोटा डिपार्टमेंट नहीं है अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में जो सबसे सब ज्यादा वैकेंसी देने वाले डिपार्टमेंट है वो सीपीडब्ल्यू डी और बी ही होते हैं तो एटलीस्ट इतने बड़े डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में आइडिया होना चाहिए और आपको यह पहले बताना पड़ेगा बहुत सी मोस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन में ऐसा होता है कि ये लोग पहले इस बारे में बताते हैं अब आती है क्रूशियल डेट यहां पर लिखी हुई है एक अगस्त 2024 सब उसका क्या मतलब है बेटा क्रूशियल डेट जो है वो उन स्टूडेंट के लिए है एससी कैटेगरी के एस टी कैटेगरी के ओबीसी के है, बच्चा होता है सर्टिफिकेट लगता है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता उसकी एक, एक, एक होती है कि वो कब बनाना चाहिए ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे ने उसी समय उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया तो जीवन काल तक चलता रहेगा

सर क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं क्योंकि पिछले साल ही किया था तो अब भाई कोई ऑप्शन नहीं बनता कि हर साल बार बार आप एग्जाम पैटर्न सिलेबस चेंज करें ठीक सर सर वैकेंसी कम होने पे वापस आप क्या बोलना चाहेंगे वैकेंसी कम होने पे एक ही चीज बोलूंगा एस एससी में हर हर दो तीन साल में एक बार वैकेंसी में डिप आता है वो ये साल हो चुका है मे बी शायद अगले साल आपको वैकेंसी ज्यादा देखने को मिले सर इस साल तो इलेक्शन है तो ज्यादा वैकेंसी होनी चाहिए थी भाई देखो एस एस में नहीं है लेकिन आपके पास भर भर के दूसरी जगह से वैकेंसीज आई हुई है वो आप देख सकते हो आपको पता है आने वाले समय में आर आरबी आने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट आके जा चुक, आ, आ चुका चुका आ है ठीक है टेक्नीशियन ग्रेड वन भी है बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे के लिए नहीं है गुजरात में जेटको का पेपर आया महाराष्ट्र में महाट्रांसको का पेपर आया यूपी में यूपी मेट्रो आया

सर अब इन दो महीने के अंदर एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अभी तक तो सर हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे और कल से लेके अभी तक सर आप लाइव नहीं आए आज आप लाइव आ रहे हो और आप लाइव आकर के हमें बहुत सारी चीजें बता रहे हो तो यार मैं एक ही चीज बोलूंगा लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चे बेटा सिलेक्ट हुए मैं खुद भी एस एस सी जेई सेलेक्ट हूँ आप सबको पता है ठीक है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि एस एस जेई के एग्जाम के लिए अगर आपने मन में सोचा था कि आपको तैयारी करना है तो आप इसके लिए लगे रहें अभी आप ये मत मान के चलें कि पेपर चार पांच छह जून को होगा या नहीं होगा प्लीज इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा इस नोटिफिकेशन में तीन से चार चीज ऐसी हैं जिस पे एसएससी ने हाँ भी नहीं बोला है और ना भी नहीं बोला है और आप यकीन मानिए पूरे यूट्यूब में इसके ऊपर कम से कम दस पंद्रह वीडियो बनती रहेंगी जैसी नोटिफिकेशन आता है बंपर वैकेंसी है ये है वो है तो मुर्दा भी उठ के आ जाता है कब्र में से और बताना चालू कर देता है कि भैया क्या होगा या बंपर वैकेंसी है भले साल भर कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए साल भर कोई डेडिकेशन के साथ क्लास ले या ना ले जैसी नोटिफिकेशन आता है दुनिया भर की सारी सारी बातें यहां पे होने लगती हैं लेकिन गाइस आप एक मैच्योर्ड स्टूडेंट हो आप एक मैच इंजीनियर हो आप भले हिंदी मीडियम से पढ़े हो या अंग्रेजी मीडियम से आपके अंदर इतना ब्रेन है इतना दिमाग है कि अब वो दौर नहीं है जब एक बच्चा बेवकूफ बन जाता है आज का दौर वो है जब एक बच्चा बेवकूफ बना देता है तो एक बच्चा की तरह सोचो एक मेच्योर्ड स्टूडेंट की तरह सोचो और बस इतना ही बोलूंगा कि अपने टाइम को मत किल करो आपको पता है जब नोटिफिकेशन नहीं भी आया था क्लियर और अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन के बारे में कोई हलचल भी नहीं थी तब भी रेगुलर आपकी रोज शाम को मैं चार बजे क्लास लेता हूं चाहे दिवाली का दिन हो या होली का दिन हो इसको कोई मैटर नहीं करता हमें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है हमारे लिए मोटिवेशन सिर्फ इतना है कि भाई हमें यह पता है कि एस एस का एग्जाम होगा भाई तेरे को जून में लेना तो जून में ले ले तेरे को अगस्त में लेना तो अगस्त में ले ले हम तो अपनी तैयारी करेंगे आज मैं इस वीडियो में आपको किसी कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि कोई मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं या कोई मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है तो उसमें पढ़ लीजिए इनरोल कर लीजिए एक दूसरी बात और मैं आपको बोलूंगा कि बेटा जो भी बच्चे एक्चुअल में तैयारी करना चाहते हैं अगर पेपर चौदह एक ही रिक्वेस्ट है मान लीजिए आप मुझसे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं या अभी पेड बैच के अंदर पढ़ रहे हो आपका कोई दोस्त है वो भी तैयारी करना चाहता है और वो ये सोचता है कि यार मैं कैसे तैयारी करूं मुझे भी कोई पेड बैच में पढ़ना है या इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी करना है तो बेटा लाइफ में इस साल के अंदर अंदर पूरे देश में कोई भी लाइव बैच दो महीने में ढंग से खत्म नहीं होता है ये आप भी जानते हो तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आप आप भी मुझसे रिक्वेस्ट करते हो कि मोहित सर आप एक नया लाइव बैच स्टार्ट कर दीजिए कल से तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि अगर बोर्ड मेरे हाथ में है ना मेरा हाथ बोर्ड पे झूठ नहीं बोलूंगा अगर मैं कल से कोई लाइव बैच स्टार्ट करता हूं चार तारीख को पेपर है तो स्वयं ईश्वर भी मेरे साथ आके बैठ जाएंगे तो दो महीने में लाइव बैच खत्म नहीं होता अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा तो इसलिए अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटीज आप देखते हो तो प्लीज बेवकूफ मत बनिएगा है ना ये मैं आपको बता देता हूं और आपके दोस्तों को या आप भी इस चीज को ध्यान रखिए हां सर दो महीने में कोई ऐसी चीजें जो खत्म हो सकती है प्रैक्टिस बैच जैसी चीजें हो सकती हैं जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो तो मैं आपको यूट्यूब करा देता हूं क्रैश कोर्स जैसी चीजें हो सकती हैं रिवीजन बैच जैसी चीजें हो सकती है, ये चीजें फीजेबल है तो अगर मैं सोचूंगा तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा इसके बारे में नहीं सोचूंगा कि पूरा एक बेसिक से एडवांस लेवल तक का पेड बैच पढ़ाया जाए अगर आपको वो पढ़ना है तो वो ऑलरेडी चल रहा है आप उसमें से पढ़ सकते हैं अब आता है चौथा पॉइंट सर इन दो महीने में आप हमारे लिए क्या करने वाले हो कल नोटिफिकेशन आया यस सर कल मैंने सोचा कि एक स्टूडेंट के लिए अगर मान लीजिए चार पांच और छह जून ही पेपर हो जाता है तो हम बेसिकली करें तो करें क्या तो अब इन दो महीने के लिए मैं आपको यही बोलूंगा अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हो और अभी तक आपने किसी और एग्जाम का सोच कर रखा था जैसे यूपी मेट्रो तो आप उन एग्जाम्स की अपनी तैयारी करते रहे

रहे हो तो इसके लिए भी डेडिकेट पढ़ो और टेक्निकल के लिए मोहित सर बैठे हुए हैं राइट लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो देश में आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से चीजों को पसंद किया आपने मेरी महा दो महीने में क्या करने वाला हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से डेडिकेटेडली हमारी रोज शाम को चार बजे यूट्यूब क्लास चलती है एस की वो तो चलती ही रहेगी बाकी एग्जाम्स की पांच बजे चलती है वो भी चलती रहेगी अब नया मैं क्या करने वाला हूँ तो नया एक्चुअली ये करने वाला हूं कि मैं और हमारी टीम ने मिलकर पिछले तीन से चार महीनों के अंदर एस के नए पैटर्न जो हमने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया सीबीटी वन और सीबीटी टू में जब हमने ये भी देखा कि किस तरीके के उट भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे उस बेसिस पर एक बहुत ही प्यारे कंटेंट को हमने डिजाइन किया और हम वेट ही कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम उस कॉन्टेंट को आपको देना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे अब नोटिफिकेशन आ चुका है वो कॉन्टेंट आपको टेस्ट सीरीज के अंदर वो कॉन्टेंट आपको पेड क्लास के अंदर वो कॉन्टेंट यूट्यूब पर वो कॉन्टेंट प्रैक्टिस बैच में सब जगह आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो जो भी बच्चा जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली

लेके आने वाला हूं इसके अलावा आपको क्या करना है तो गाइज आपको बस एक ही चीज करना है कि आप सब जानते हो कि आपके पास दिन भर में 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो अब बात आती है वो मोटिवेशन और डेडिकेशन कैसे आएगा लाइफ में आप एक ही चीज जानते हो कि जो भी आप कर रहे हो क्लियर वो किस चीज के लिए कर रहे हो आपको भी पता है वो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि जब ये जॉब आपको मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जितनी भी आपकी लाइफ है मैं आशा करता हूं ज्यादा उम्र की हो लेकिन जितनी भी आपकी लाइफ है वो पूरी की पूरी लाइफ आपकी जो है फाइनेंशियली यानी कि अगर मैं बात करूं पूंजी तरीके से एक स्टेबिलिटी आपको दिखे कभी आपको यह ना लगे कि यार कल अगर खाना खाना है या सामान लेके आना है तो मैं कहां से लेके आऊंगा इस तरीके की सिचुएशन ना हो तो जब हमारी पूरी लाइफ की होती है उसके लिए हम लड़ रहे हैं यार और किसी चीज के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं एक सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और किसी के लिए नहीं तो इस चीज का जो बेनिफिट है वो आप ही को मिलना है तो ये ध्यान में रखो यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है वैकेंसी आएंगी जाएंगी कम ज्यादा तो जीवन भर चलता रहेगा आज से नहीं सालों से चला आ रहा है तो ये चलता ही रहेगा सिविल में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है जीवन काल से आ रही है आगे भी आएगी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल में डेवलप करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली ले अगर आप दूसरी चीज देखोगे तो बेटा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बाकी ब्रांचेस में कम भी होते हैं अगर आप वहीं यहीं पर आप देखोगे कि सिविल में कितने बच्चे पेपर देते हैं तो तीन साढ़े तीन लाख देते हैं वहीं आप इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो मुश्किल से लाख एक लाख बच्चे तो कहीं ना कहीं वो भी चीज वन थर्ड हो जाती है जैसे वैकेंसी आपकी कम होती है तो वो भी चीज अपने आप कम हो जाती है तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है तैयारी अपनी करना है एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं कौन एलिजिबल नहीं है तो जो लास्ट टाइम एलिजिबल थे बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं आप सबको मालूम है डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं सीपीडब्ल्यूडी में पंद्रह साल से एक ही कंफ्यूजन चल रहा है और कम से कम एक हजार वीडियो बनी होंगी यूट्यूब पर सीपीडब्ल्यूडी में बीटेक मैकेनिकल बीटेक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा मैकेनिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होता है कि नहीं होता सीपीडब्ल्यूडी में दोनों एलिजिबल होते हैं कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की वैकेंसी होती है वो तो मैं हाथ जोड़ता हूं एस के चेयरमैन सर से कि सर प्लीज कम से कम एसएससी जेई के नोटिफिकेशन को थोड़ा क्लियर लिखना चालू कर दो हर साल यही दिक्कत आती है थोड़ा सा क्लियर लिख दो वहां पे कोई बड़ी चीज नहीं है दस मिनट का काम है केवल बस तो उसमें लिख दो ताकि एक बार लिखा गया तो आने वाले 20 साल तक वही चलता रहेगा लेकिन आज तक 15 साल में कभी नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किए ले देकर के वही एलिजिबिलिटी बार बार लिखते हैं लेकिन मेरी ऐसी गुजारिश है अगर मेरी ये वीडियो वहां तक पहुंचती है तो एटलीस्ट वो एक बार लिख दे कि थोड़ा सा बच्चों को क्लियरिटी मिल जाती है यहां पर और कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होती है तो एटलीस्ट उनको थो थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी यही लाइन एक जमाने से लिखी आ रही है सीपीडब्ल्यू गई वो ये वाली यही लाइन लिखी आ रही डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैके हाँ सर डिग्री वाले नहीं भर सकते हैं सब डिग्री वाले बच्चे डिप्लोमा वाले भी हैं डिग्री वाले भी सभी एलिजिबल होती है कि नहीं होती मैं खुद भी ट्रिपल ब्रांच का हूं भाई है ना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैं खुद भी सिलेक्टेड हूं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एलिजिबल होती है इट right. तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि सारी चीजें आपके सामने हैं बस आप अपने आप का दृढ़ दृढ़ निश्चय जिसको बोलना चाहिए आप अपने आप को डेडिकेटेड रखो मोटिवेशन के लिए कोई स्पीकर की जरूरत नहीं होती आप अपने घर में अपने घर के लोगों से बात कर लो उस इंसान से बात कर लो जिसको जिसके साथ आप उठना बैठना चाहते हो अपने आप ही मोटिवेशन आपकी लाइफ में रहेगा कुछ और करने की जरूरत नहीं है या फिर अपनी जेब देख लिया करो कि कल खाने को पैसे कहां से आएंगे अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा इसके अलावा क्या ही मोटिवेशन चाहिए यार क्या ही मोटिवेशन चाहिए राइट right. इसके अलावा और कोई मोटिवेशन थोड़ी ना चाहिए ऐसा थोड़ी कि आकर के कोई कुछ भी बोले अगर सुन लिया तो कान में बात वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है मिनट इसके बाद सब गायब हो जाता है तो आपका मोटिवेशन आप खुद ही हो आपका रिजल्ट भी आप खुद ही दोगे मैं हु, मैं हो गया या मेरे जैसे जितने भी इस पर्टिकुलर देश में लोग हैं वो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं यार बाकी तो आपका सिलेक्शन आप ही दोगे और कुछ नहीं अच्छा इसके अलावा मैं एक बात और करना चाहता हूं मैं आपके सामने लेके आता हूं जरा आप एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा चलिए तो कुछ और चीजें थी जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी और बतानी थी लास्ट टाइम पे गाइज अगर हम बात करें तो एस एस जेई के लिए बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करा दो यूट्यूब पर मैंने बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराए और अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है और आप लोगों के लिए हार्ड कॉपी में ये प्रीवियस ईयर की एक बुक को भी हमने लॉन्च किया था ये एस एस जेई की पीवाई बुक है ये जो बुक है ये बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ इसके अंदर सॉल्यूशंस आपको देके रखे हैं ये बुक डेडिकेटेड सिर्फ एस एस जेई के लिए है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो उसको टेस्ट बुक से सर ऑनलाइन ऑर्डर में कितना समय लगेगा तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये बोल सकते हैं सर बुक नहीं आई बहुत दिन से ऑर्डर करी थी लेकिन अभी रिसेंटली जो बुक की टीम है जो टीम देखती है कि बुक बच्चे को कितने दिन में पहुंचना चाहिए क्योंकि एग्जाम भी है उस टीम से मैंने बात करी और ये जो बुक है वो आपको हार्डली पंद्रह से बीस दिन में अगर आपका एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ सही है या जिस जगह बुक आनी वो सब कुछ अगर सही है तो ये पंद्रह पंद्रह दिन के अंदर ना मिनिमम आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी आपके पास तो अगर आपको एस एस सी जा का पीवाई क्यू चाहिए तो ये बुक मिलेगी इस बुक की एक और क्वालिटी है कि इस बुक के अंदर आपको सीबीटी टू का पेपर भी दिया है नए पैटर्न के हिसाब से और सीबीटी टू के पांच मॉक पेपर भी दे दे दिए हैं तो जो उसका नया एडिशन है वो बहुत ही अच्छा है सीबीटी टू का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग पांच नए मॉक भी हमने दे दिए हैं इसके अलावा कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस और कहां से करें तो कुछ पर्टिकुलर जैसे मैं YouTube पे तो कराता हूं लेकिन एक बुक 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 और मोटी वाली हमने लॉन्च कर दी है ये ये आप देख सकते हो ये बुक के अंदर ऑल एज एग्जाम के लिए तीन हजार क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं जिस बुक को आप कर सकते हो और बहुत बार अब इस बुक को मैं यूट्यूब पर भी लेके आया करूंगा क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए तो मैं चाहता हूं आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो अच्छी बात है अगर किसी ने ऑर्डर कर दिया हो तो आप देख लीजिए पंद्रह दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी और अगर किसी ने ऑर्डर नहीं किया हो तो आप कर सकते हो और ये बुक को मैं यूट्यूब पे भी लेके आने लेने वालों तीन हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है क्लियर अच्छा ये बुक इंग्लिश में या हिंदी में तो अभी तो ये इंग्लिश में है लेकिन इसका हिंदी एडिशन भी धीरे धीरे बन रहा है हो सकता है कुछ महीनों के अंदर आपको देखने को मिल जाए राइट तो ये ए जे की कंप्लीट बुक है जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं डेडिकेटेड ए जेई की बुक भी आपके सामने ले आऊंगा ये आपके सामने ए जेई की भी डेडिकेटेड बुक है बात आती है सर इस बुक को कई किसी और बुक से कंपेयर कर सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा बोलता कि हूं कि यूथ कंपटीशन की बुक भी सॉल्व करा करो क्योंकि वो मेरी पसंद की बुक है ये भी मेरी पसंद की बुक है तो मैं किसी बुक को कंपेयर नहीं करूंगा आप इसको दुक भी सॉल्व करिए उसको भी सॉल्व करिए आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से करिए और भी मार्केट में बहुत सारी बुक किताबें हैं आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से करिए आप जैसे कर सकते हो करो बट हां इसका कॉन्टेंट मेरा देखा हुआ है सारी चीजें मेरी देखी हुई है सोल्यूशन मेरे देखे हुए हैं बहुत बार सोल्यूशन को रेक्टिफाई भी मैंने किया है तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिफिकेशन काफी बेहतर है ठीक है अब इसके अलावा मैं बात करता हूं तो मैं आपको सिर्फ बुक के बारे में बताता है ये आपके ऊपर है कि अगर आपको बुक को प्रैक्टिस करना है तो करिए अदरवाइज तो हमने आपको ऑलरेडी इतने क्वेश्चन दे दिए हैं टेक्सट बुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे जिसकी आपको मुझे नहीं लगता कि फिर बुक की नीड भी पड़ेगी लेकिन ये आपकी चॉइस इट्स योर चॉइस है बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उनके सामने बुक होनी चाहिए तो इसीलिए आपके लिए है ना दिस इज जस्ट लाइक दिस राइट अब आती है इसके बाद की बात बात की बात ये आती है कि जैसा कि मैंने आपको पांच पॉइंट पे बात किया कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ आपको क्या करना है एक काम बस आपको लाइफ में अब नहीं करना है आने वाले दो से तीन महीने और वो यही है कि गाय साल दो बहुत अच्छा है वैकेंसीज बहुत ज्यादा है एटलीस्ट फालतू की वीडियो से डिविएट मत होना पूरे यूट्यूब के अंदर कि ये आ गया और वो आ गया और ये कट ऑफ तो वो कट ऑफ तो ऐसा कर लो तो वैसा कर लो तो ऐसे में क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको ये भी मन में आने लग गया होगा कि CPWD के लिए कितने नंबर चाहिए तो एटलीस्ट इस तरीके की चीजें ना करें थोड़ा सा अपने टाइम को बचाएं अदरवाइज आपकी लाइफ है मैं हाथ पकड़ के सब कुछ करवा दूंगा लेकिन एटलीस्ट हाथ मेरे को दे देना बस और कुछ नहीं बाकी तो मैं सब कुछ करवा दूंगा लेकिन अगर आप हाथ को बार बार बोलोगे सर दो मिनट के लिए छोड़ने दो ना प्लीज है ना थोड़ी सी चीजें कुछ करनी है तो कहीं ना कहीं शायद वो डे

क्या बात तो बस रेडी रहना है वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा फिर मिलते हैं गाइज वापिस से सो थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर एंड लव यू